हेलो फ्रेंड्स आई होप यू आर डूइंग गुड आज के एडिशन की शुरुआत करते हैं बिफोर वी बिगिन ये लास्ट एडिशन के साथ एसोसिएटेड प्रिलिमिनरी प्रैक्टिस क्विज के रिजल्ट्स हैं कॉन्ग्रेचुलेशन मुजीब आज के एडिशन के साथ भी एक करंट अफेयर क्विज एसोसिएटेड है आप उसको जरूर अटेम्प्ट करें इट विल हेल्प यू इन योर प्रिलिमिनरी प्रिपरेशन ऑल्सो फ्रेंड्स आई हैव अ मेजर अनाउंसमेंट आई एम इंट्रोड्यूसिंग न्यूअर वर्जन ऑफ नोट्स इससे पहले हर एक एडिशन के साथ पीडीएफ पेजेस इंक्लूडेड होते थे उसका एक ड्रॉबैक यह था कि नोट्स को मैनेज करना काफी स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल हो जाता था अब उन सभी पेजेस को एक सिंगल नोटबुक में सब्जेक्ट वाइज कंपाइल कर दिया गया है और फ्यूचर नोट्स को इसी नोटबुक में ऐड किया जाता रहेगा ऐसा करने से क्या बेनिफिट्स हैं आप सबको करंट अफेयर्स के लिए पर्सनली नोट्स को मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको मंथली कंपाइलेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इस नोट्स में पुराने सभी नोट्स इंक्लूडेड है विच यू कैन रिवाइज ईजीली बट दिस अ कैच ये नोट्स माइक्रोसॉफ्ट के वन नोट को इस्तेमाल करके बनाए गए हैं ऐसा नहीं है कि वन नोट स्पॉन्सर्स भी दिस टूल वॉज द ओनली बेस्ट ऑप्शन आई कुड फिगर आउट टू मैनेज दिस एफिशियंटली हाँ आप इन नोट्स को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं विदाउट एन ऐप बट बेस्ट एक्सपीरियंस के लिए रिकमेंडेड है कि आप पहले अपने फोन में या फिर अपने कंप्यूटर में वन नोट की ऐप को डाउनलोड कर दें इट्स फ्री और अगर आपको कोई और सवाल है फील फ्री टू आस्क इन कमेंट्स यह आज की पहली न्यूज है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड और इसका कॉन्टेक्स्ट है दुबई में चल रहा समिट तो इस समिट में अमंग अदर थिंग्स एक प्लेज को साइन किया गया है इस प्लेज का टाइटल है ग्लोबल रिन्यूएबल एंड एनर्जी और इस प्लेज का एम है 2030 तक ग्लोबल लेवल पर मतलब विश्व स्तर पर रिन्यूएबल एनर्जी की इंस्टॉल्ड कैपैसिटी को बढ़ाकर आज के लेवल से तीन गुना कर देना और 2030 तक ही ग्लोबल लेवल पर एनुअल रेट ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी को भी बढ़ाकर डबल कर देना इस प्लेच को 118 मेंबर कंट्रीज ने साइन किया है पर इंटरेस्टिंगली इंडिया ने इसको साइन नहीं किया है इसको ना साइन करने के रीजन को इंडियन गवर्नमेंट ने पब्लिकली डिक्लेयर नहीं किया है बट यू शुड नो कि इंडिया ऑलरेडी COP26 में अपने लिए काफी टारगेट सेट कर चुकी है यह नेक्स्ट न्यूज है फॉरेन पॉलिसी एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप से और इसका कॉन्टेक्स्ट है इंडिया मालदीव का रिलेशनशिप नाउ फ्रेंड्स आई होप आपको इंडिया मालदीव्स के रिलेशनशिप का रिसेंट कॉन्टेक्स्ट मालूम होगा जिनको नहीं पता उनके लिए लेट्स ब्रीफली रिकेप मालदीव्स में एक नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं उनका नाम है मोहम्मद मुजू यह नए प्रेसिडेंट जजिंग बाय हिस् स्पीचेस एंटी इंडिया है और उनका अपने देशवासियों को प्रॉमिस है मालदीव्स कंट्री पर इंडिया के इन्फ्लुएंस को कम से कम करना अब इंडिया के फॉरेन पॉलिसी परस्पेक्टिव से ये एक चिंता की बात है क्योंकि ये प्रेसिडेंट एंटी इंडिया के साथ साथ प्रो चाइना भी है और इंडिया कभी नहीं जाएगा कि चाइना इंडिया के किसी इतने क्लोज नेबर के साथ अपने रिलेशनशिप को और बढ़ाए नाउ कमिंग बैक टू दिस न्यूज दुबई में चल रहे सीओपी ट्वेंटी समिट में इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइजू की फेस टू फेस मीटिंग हुई है ये इन दोनों लीडर्स की पहली मीटिंग है प्राइम मिनिस्टर मोदी इन मालदीव्स के प्रेसिडेंट की पिछले महीने हुई स्वेरिंग इन सेरेमनी में नहीं गए थे हालांकि वो इन्वाइटेड थे उनकी जगह पर इंडिया को यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू ने रिप्रेजेंट किया था तो अकॉर्डिंग टू डिप्लोमैटिक सोर्सेस दोनों लीडर्स के बीच कलिए हुई मीटिंग काफी प्रोडक्टिव रही है और दोनों साइड्स ने अपने बीच फ्रेंडशिप को बढ़ाने के लिए टाइज को और नॉर्मलाइज करने के लिए काफ़ी स्टेप्स पे एग्री किया है अब इस मीटिंग से कोई रियल आउटकम्स होते हैं या नहीं दिस रिमेन्स टू बी सीन क्योंकि ये तो केवल एक मीटिंग थी इसमें कोई हार्ड एग्रीमेंट्स साइन नहीं किए गए हैं हो सकता है कि फ्यूचर में मालदीव से कोई डेलीगेशन इंडिया आए या इंडिया से कोई डेलीगेशन मालदीव में जाए और फिर एग्रीमेंट्स को साइन किया जाए बट अगर ऐसा होता है रिमेन्स टू बी सीन एंड वील फॉलो इट अप्री ऑफ टेक्सटाइल से टेक्सटाइल मिनिस्टर पीयूष गोयल ने इन रिसेंट इवेंट बोला है कि गवर्नमेंट की कोशिश है इंडिया को ग्लोबली लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर बनाने की नाउ फ्रेंड्स आई होप यू नो दैट इंडिया राइट नाउ इज द सेकंड लार्जेस्ट ग्लोबल प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मिनिस्टर फिर टेक्सटाइल सेक्टर में गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए स्टेप्स की बात करते हैं वो बोलते हैं गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई पीएम मित्रा स्कीम के बारे में जिसमें गवर्नमेंट देश के अलग अलग जगह पर मेगा टेक्सटाइल पार्क्स स्टैब्लिश करने में सपोर्ट करती है वो बात करते हैं नेशनल टेक्सटाइल मिशन की जिससे गवर्नमेंट टेक्निकल टेक्सटाइल्स के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट की सपोर्ट देती है इंडिया के कस्तूरी कॉटन ब्रांड के बारे में फ्रेंड्स कॉटन प्रोडक्शन से रिलेटेड बेसिक डिटेल्स नोट्स में इंक्लूडेड है रेफर डेम और इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन क्विज में भी है अटेम्प्टिट इज वेल फ्रेंड्स दिस इज अ पॉलिटिकल न्यूज इलेक्शन इन फाइव इंडियन स्टेट्स हैव बीन कंक्लूडेड मध्य प्रदेश राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी हैज फॉर्मड गवर्नमेंट तेलंगाना सॉ विक्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस और मिजोरम में अ न्यूली फॉर्म्ड पार्टी जोरम पीपल मूवमेंट हैज इलेक्टेड ये न्यूज है जियोग्राफी से और इसका कॉन्टेक्स्ट है साइक्लोन मिचाउंग जो वेस्ट सेंट्रल और वेस्ट बे ऑफ बंगाल में इंटेंसिफाई होकर एक सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बन चुका है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के फोरकास्ट के अकॉर्डिंग यह साइक्लोन नॉर्थ और नौर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है और एक्सपेक्टेड है कि यह स्टॉम आज यानी कि पांच दिसंबर को आंध्र प्रदेश के कोस्ट पर लैंड करेगा इस स्टॉर्म की वजह से चेन्नई में हैवी रेनफॉल हुई है और वहां पर फ्लड लाइक सिचुएशन हो गई है इस रेन इंड्यूस्ड फ्लडिंग में छह लोगों की जान भी चली गई है और चेन्नई में इस डिजास्टर से डील करने के लिए आर्मी नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स और लोकल एजेंसी रिलीफ ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है नव फ्रेंड साइक्लोन से रिलेटेड भी बेसिक नोट नोटबुक में इंक्लूडेड है यू कैन रिफर द्रेंड्स इन दिस सेक्शन वर द प्रोसीडिंगस ऑफ पार्लियामेंट पार्लियामेंट का विंटर सेशन कन्वीन हो चुका है कल पार्लियामेंट का पहला दिन था कल राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा मेंबर राघव चड्ढा के सस्पेंशन को रिवोक कर दिया गया है क्वेश्चन आर के दौरान सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया गवर्नमेंट की उड़ान स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन को आंसर करते हैं और फिलहाल न्यूज में आ रहे कुछ पैसेंजर मिसट्रीटमेंट से रिलेटेड इंसिडेंट्स को भी एड्रेस करते हैं कम्युनिकेशन मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव पोस्ट ऑफिस बिल 2023 को राज्यसभा में टेबल करते हैं मतलब इंट्रोड्यूस करते हैं इस बिल के मेजर फीचर्स नोट में मेंशन है रीड इट इस बिल को लेकर ओपोजिशन के काफी मेंबर्स कंसर्न्स एक्सप्रेस करते हैं कि इस बिल के प्रोविजंस सिटीजन्स के राइट टू प्राइवेसी को वायलेट करते हैं और एक पब्लिक सर्विस इंडियन पोस्ट को प्राइवेटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं इन कंसर्न्स को एड्रेस करते हुए कम्युनिकेशन मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव बोलते हैं कि इस बिल के प्रोविजन्स इलीगल सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए पोस्टल नेटवर्क के मिसयूज को चेक करते हैं मतलब इलीगल ड्रग्स की तस्करी करने के लिए पोस्ट ऑफिस के नेटवर्क का यूज ना किया जाए इन नए प्रोविजन्स की ये कोशिश है और वो ये भी बोलते हैं कि गवर्नमेंट का पोस्टल नेटवर्क को प्राइवेटाइज करने का कोई इंटेंशन नहीं है राज्यसभा में आईफोन हैकिंग को लेकर भी कंसर्न्स एक्सप्रेस किए जाते हैं लोकसभा में कल लोकसभा में जीरो आर के दौरान लीडर ऑफ अपोजिशन अधीर रंजन चौधरी गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि गवर्नमेंट कतर कंट्री में सेंटेंस्ड इंडियंस को बचाने की पूरी कोशिश करे लोकसभा में एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2023 पर भी डिस्कशन को शुरू किया जाता है ये बिल एडवोकेसी प्रोफेशन से रिलेटेड स्केटर्ड लेजिस्लेशन को अलग अलग जगह से रिपील करके एक सिंगल लॉ में कंसोलिडेट करता है नाउ दिट्स ऑल्व फोर टूडे फ्रेंड्स आज का एडिशन थोड़ा छोटा था पर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं छूटा है अगर आपको ये एडिशन पसंद आता है देन प्लीज लीव अ लाइक इट हेल्प्स विद द ग्रोथ ऑफ दिस चैनल दिट्स ऑल्व फोर टूडेवे बाय